मॉर्निंग गाइस, मैं आज आपको जो है ना ये मोर पंखी का प्लांट है, इसको हम लोग थूजा भी कहते हैं। ये देखिए हमारा ये मोर पंखी का प्लांट है। ये कुछ लोग जो है ना बाहर रखने पे, गेट के बाहर रखने पे, एक लेफ्ट और एक राइट में गेट पे रखने का इसको काफी अच्छा मानते हैं। ये हम इसको जो है ना इंडोर प्लांट भी बोल सकते हैं, और जो है ना बैड लाइफ में जो रहता है उसमें भी दोस्तों ये बना रहता है। बेसिकली इसमें दो तीन वेराइटीज आती हैं दोस्तों। एक तो रस, ये ग्रीनिश जैसा एक वेराइटीज होती है इसकी, और एक देसी वेराइटी होती है। देसी वेराइटी में फ्लावर्स छोटे छोटे आते हैं और उसमें जो है ना फल भी लगते हैं, जिसको जो है ना हम बाद में प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये काफ़ी हम लोग इसको विद्या भी बोलते हैं, विद्या का प्लांट भी बोलते हैं दोस्तों इसको। और काफ़ी तरीके से मैं इसको, काफ़ी लोग जो है ना इसको बड़ा सुन, हम लोग जो है ना रवि भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे तो इसकी कुछ जो है ना लीव्स को अपने बुक्स में रखते थे, ऐसा लोग बताते कि विद्या का है और अच्छा शुभ पौधा। दोस्तों ये इसका नेचर देखिए, कितना लस ग्रीनिश है ये कितना खूबसूरत देखने में लगता है। दोस्तों इसकी जो है ना जमीन में लगाने पे बहुत अच्छा फुब्बारा टाइप का इसको हैज भी बनाया जा सकता है, और इसको जो है ना घरों में गमले में उगा के इसको इंडोर भी एक ऑर्नामेंटल के रूप में इसको डेवलप कर सकते हैं। ये दोस्तों इसकी जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स जो है ना काफ़ी खूबसूरत होती हैं, इसी वजह से ये इसको जो है ना लोग लाइक करते हैं। व्यूअर्स, इसमें हम जो हमने ये मीडिया बनाया है अपना, इसमें हमने इसके लिए 40% हमने गार्डन सॉइल ली है और 40% ही इसमें काउ डंग ली है, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है, इसमें जल्दी फंगस वगैरह इसके रूट में नहीं लगता है। और इसके बाद मैंने इसको 10% कोकोपीट मिला के 5% इसमें लीव मैन्योर लगाई, और 5% में दोस्तों मैंने सभी तरह के जो है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड किया है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ये इसके बारे में मैं रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा, भी थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन इसमें बता दिया है कि क्या होता है, कैसे कैसे ये दोस्तों इसको जो है ना। अब मैं एक हमने ये छोटा सा हमारा गमला था, अब की बार में ये काफ़ी बड़ा गमला लाया हूँ दोस्तों, ये देख रहे हैं इसको रिपोर्ट करूँगा। ये हमने पहले से जो है ना गमला ला रखा है, गमले को थोड़ी मिट्टी डाल दी है, अब हम इसको जो है दोस्तों होता यह है कि जैसे ही इसके पौधे हम लाते हैं उसके बाद ये लोग जो है ना काफ़ी जो है ना खाद वगैरह डाल के उसमें रखते हैं, उसके बाद जब हम अपने घर से लाते हैं तो फसल की एयर चुना होने की वजह से हमारा पौधा दोस्तों ये मर जाता है। तो हमें वो भी कोशिश करनी है कि मेरा पौधा ये प्यारा सा मरे नहीं, इसको मैं धीरे से जो है ना कोशिश। देखिए दोस्तों ये हमारा एक पौधा, ये देखिए ये इसको दोस्तों मैं इसमें रिपोर्ट करूंगा, बस इसको मैं रिपोर्ट ऐसे करूंगा जिससे ये बाद में काफ़ी घना होके बहुत अच्छा चले। हमें दोस्तों ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो पौधा है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, अगर इधर उधर होगा तो देखने में थोड़ा सा ये भद्दा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये मीडिया बनाया है मिट्टी का, हम इसमें धीरे से इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये बहुत प्यारा पौधा होता है ये देखिए दोस्तों। मीडिया हमने कैसे बनाया दोस्तों, मैंने वो भी आपको बता दिया है, और इसको हमने केवल आज हमारा मकसद था कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे वो मैंने आपको रिपोर्टिंग कर दी। कुछ इसमें जड़ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जड़ जो है ना अभी कुछ दिन के बाद जो है ये फंगस डेवलप नहीं करेगी। ये देखिए दोस्तों हमें कोशिश ये करनी होगी कि हमारे प्लांट में जो है ना जो नीचे है उसमें किसी तरह का एयर स्पेस नहीं होना चाहिए। ये अगर थोड़ा सा भी एयर स्पेस होगा दोस्तों तो बाद में जो है ना ये रूट रॉट होने का चांसेस रहते हैं, ऑक्सीजन नीचे जाएगी जड़ों में तो ये रूट रॉट हो सकता है। दोस्तों ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसकी जड़ जो है ना बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है, इसीलिए ये जो घरों में जो है ना इसको लगाना प्रेफर करते हैं। और
सेमी सिटी रीजन में भी चल जाता है ये, और अपना जो है ना थोड़ा सा लाइफ में भी चल जाता है। अगर इसको दोस्तों जमीन में लगा दिया जाएगा तो एक बहुत खूबसूरत इसकी हैज बनाई जा सकती है, ये हैज के रूप में डेवलप कर सकता है। आप जैसा भी चाहोगे ना उसको आप जो है इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। व्यूअर्स, तो जो है ना बड़े प्लांट छोटे प्लांट गमले में होते हैं, उसको हम बड़े गमले में कैसे रिपोर्टिंग करते हैं आज हम आपको ये बना के दिखाया है। बस थोड़ा सा ये एक साइड में लग रहा है मुझे, अब ठीक लग रहा है दोस्तों, ये अभी ठीक हो सकता है, बाद में जब इसकी रूट जो है ना डेवलप कर जाए उस समय फिर ये दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए कोशिश करेंगे इसकी जो है ना रूप को टाइट देते हैं, इसको बहुत मेहनत का काम है दोस्तों, मेहनत से। ये देखिए दोस्तों हमारा ये रिपोर्टिंग प्रोसेस आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किया और सपोर्ट जरूर करिए। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएं। थैंक यू।